इसराइल हमास जंग का आज पांचवा दिन है। रात भर में इसराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए। इसराइल और हमास की जंग में अब तक 2150 लोगों की मौत हुई है, इनमें से करीब 1200 इजरायली है। वहीं अब तक करीब 1950 फिलिस्तीनियों ने भी जान गंवाई है। बता दें कि मंगलवार रात अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन गोला बारूद के साथ इसराइल के नेवातीम एयरबेस पर पहुंच गया। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार जंग को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, यह युद्ध अमेरिका विदेश नीति की विफलता है। अमेरिका फिलिस्तीनियों के हित को नजरअंदाज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के हालात की जानकारी ली। बाइडन ने मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस से उन्होंने इसराइल के लिए मदद को दोगुना करने की घोषणा की।